आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए आपके स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन के सामने है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमें क्या लाना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो या तो 6q+1 के फॉर्म में होगा, या 6q+3 के फॉर्म में होगा, या 6q+5 के फॉर्म में होगा, वेयर q इज सम इंटीजर, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करना है। ओके, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर है ना, एनी ऑड इंटीजर जो है वो इस तीनों के फॉर्म में हो सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले कोई ऑड इंटीजर बोला है, तो एक ऑड इंटीजर मान लेते हैं, लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले एक ए मान लिया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, है ना, ऑड है इसीलिए ऑड लिखा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर रहने वाले हैं। ओके, नेगेटिव नहीं होगा। एंड जो बी का वैल्यू हम लेने वाले हैं, बोलो बोलो, ये यहाँ पे देखिए, अब मैं ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ, तो ये किस आधार पे ले रहा हूँ, देखिए आपको यूक्लिड का स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। यूक्लिड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपको याद रखना है। ओके, क्योंकि इसके बेसिस पे ये सब लिख रहा हूं मैं, तो क्योंकि ए को डिवाइड करना है बी से। ओके, तो बी मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, समथिंग है, और समथिंग क्या है, हमारा कोस्टेंट। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, हमारा रिमाइंडर, तो प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब देखिए, तो ए ले लिया मैंने जिसको हमें डिवाइड करना है, अब बात हम किसकी करेंगे, बी की। तो बी क्या ले, तो बी हमें यहाँ पे क्वेश्चन से समझ आता है कि हमें क्या साबित करना है। देखिए 6q+1, 6q+3, तो अगर इससे कंपेयर करें तो देखिए 6q+1, 6q+3, 6q, इसका मतलब सीधा सीधा पता चल रहा है कि बी क्या लेना है, हमें 6 लेना है इस बार। तो बी का वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 6। ठीक है, तो ए मिल गया, बी मिल गया, तो अब यूक्लिड के स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम लिख दे, क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स अल्गोरिदम हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या बनेगा, हमारा बी क्यू प्लस आर है, बी की जगह पे हम क्या लेंगे, 6q+r। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहां पे मैंने आपको समझाया था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे एक और कंडीशन थी कि 0 <r>b, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि r क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा होगा, बट कितना बड़ा होगा, वो बड़ा तो होगा बट हमेशा b से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से वो हमेशा छोटा होगा, यानी r की यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यू है, यहाँ पे r की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, हियर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज, आर की क्या क्या वैल्यू होगी, आर 0 हो सकता है, हो सकता है। ओके, क्योंकि इस बार देखिए 6 है ना, आर बी से छोटा होना चाहिए, यानी आर हमारा 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से छोटे है यानी क्या, 0 चलेगा। ओके, या आर की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ठीक है, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 6 वो डिवाइजर के जितना हो गया, आर कितना होता है, डिवाइजर से छोटा होता है, तो छोटा यानी 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3, 2, 1 एंड 0, तो ये आर की इतनी पॉसिबल वैल्यू है। तो आर की इतनी पॉसिबल वैल्यू है, तो हमारा डिविजन एल्गोरिदम ए कितनी पॉसिबल वैल्यू बनेगी, तो ए की पॉसिबल वैल्यू कितनी बनेगी, तो ए इज इक्वल टू, अगर आर 0 ले लेते हैं, देखो आर की वैल्यू हम ए में पुट कर देते हैं, ओके, 1 बाय 1, अगर आर मैंने 0 ले लिया तो ए बन गया हमारा 6q+0। ओके, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, चलो 1 लेते हैं, तो हमारा ए बन गया 6q+1, 2 ले लिया आर तो 6q+2 बन गया, 6q+3 बन गया, 6q+4 बन गया, और 6q+5 बन गया। ये हमारे जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर की पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें से क्या बोल रहा है कि ए क्या होना चाहिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए।
तो कौन से ऑड है ये कैसे पता चलेगा? चलिए ये पता करते हैं कि कौन से ऑड है और कौन से इवन है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 6Q की। ओके, इफ ए इज इक्वल टू 6Q, तो 6Q देखिए, 6 में अगर मैं 2 निकाल देता हूं तो 3Q बन जाता है। ओके, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्यू बी एनी इंटीजर। क्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी एक नंबर हो सकता है, पॉजिटिव है। ओके, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर यानी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ऑब्वियसली कोई एक नंबर मिलेगा। और कोई भी नंबर में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? इवन बन जाता है ना? तो दिस इज इवन नंबर, क्योंकि हियर क्या हो गया, ए इज डिविजिबल बाय 2, है ना, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 2 हो गया, सो इट इज इवन। ये इवन आ गया। ओके, इवन आ गया तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये इवन है, 6Q इज इवन। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं, चलिए ये वाला छोड़ देते हैं, ये वाला ले लेते हैं 6Q+2। इफ ए इज इक्वल टू 6Q+2 है तो देखिए 2 कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 3Q+1। ओके, यहां पे भी देखिए क्यू के कोई भी वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, +1 करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, वो नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी इवन बन गया। ओके, तो यहाँ पे ये भी डिविजिबल बाय 2 है। हियर ए इज डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल बाय 2 हो गया, सो इट इज इवन। सो इट इज इवन, यानी ये वाला भी नहीं चलेगा, कौन सा, 6Q+2। ओके, चलिए ये वाला ले लेते हैं, ये 3 वाला छोड़ देते हैं, 4 वाला ले लेते हैं, 6Q+4। इफ ए इज इक्वल टू 6Q+4 है तो इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो 3Q+2 बचेगा। तो यहाँ पे भी देखिए Q का कोई भी वैल्यू होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कोई एक वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू में 2 ऐड करेंगे तो एक कोई वैल्यू मिलेगा, और वो वैल्यू में जब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो इवन बन गया। ओके, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर डिवाइड बाय 2 करते तो ये 2 2 कट जाते हैं तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है। Here A is divisible by 2, तो ये भी ऑड, ये भी हमारा इवन नंबर बन गया। ओके, ये भी इवन है, यानी ये जो है इन 5 कितने हैं टोटल, 6 वैल्यू है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें से ये हमारा इवन आ गया, ये वाला इवन आ गया। ओके, और ये वाला इवन आ गया। ठीक है, तो देखिए 6Q अगर इवन है, इवन में 1 ऐड कर दिया तो ऑड बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा ऑड नंबर है, ये हमारा ऑड दिख रहा है क्योंकि हमने 6Q को इवन साबित कर दिया। इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो ऑड बन जाएगा ऑब्वियसली। उसी तरह ये वाले में देखिए, ये हमारा 6Q इवन है, इवन में 3 3 यानी क्या होता है, 2+1, तो इवन नंबर में 2 ऐड कर दिया तो भी इवन रहेगा, और वो इवन में 1 ऐड कर दिया तो 3 यानी वो भी ऑड बन गया। ओके, देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 6Q+2+1 लिख दिया है ना, 3 को क्या लिख दिया, 2+1, तो ये चलो ये इवन नंबर है, इवन में 2 ऐड कर दिया तो भी इवन बनेगा, और इवन में 1 ऐड कर दिया तो देखिए ये ऑड बन गया। ओके, इसलिए यहाँ पे ऑड लिख दिया। और यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला भी क्या है, 6Q+4+1 लिखता हूँ मैं। ओके, तो 6Q तो हमारा इवन नंबर है, इवन में 4 ऐड करेंगे तो इवन में इवन नंबर ऐड करते हैं तो इवन ही बनता है, तो ये इवन हो गया, और इवन में 1 ऐड कर दिया तो ये ऑड बन गया। ठीक है, तो ये हमारा ऑड नंबर बन गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा मिल गया कि कोई भी ए जो होगा वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो उसका फॉर्म क्या होगा, या तो ये 6Q+1 के फॉर्म में होगा, 6Q+3 के फॉर्म में होगा, या 6Q+5 के फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर, या तो 6Q+1 के फॉर्म में होगा, या तो 6Q+3 के फॉर्म में होगा, या 6Q+5 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह का ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना, ये आपको मैंने इस एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन कराते वक्त भी ये सेम प्रोसीजर मैंने समझाया था। ओके, इतना आसान है ये, बट आपको
सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी देखो हमें ये साबित करना है और हमें क्या बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने सबसे पहले ए ले लिया, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ए ले लिया। बी का वैल्यू 6 कैसे लेना है ये आपको पता चला, क्योंकि बी की जगह पे देखिए 6 दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, ओके। और यूक्लिड का एल्गोरिदम के हिसाब से हमने लिख दिया इज इक्वल टू 6q+r। अब मेन बात यहाँ पे आर की थी कि आर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। आर हमेशा क्या 6 से छोटा होगा, है ना, ये मैंने आपको बताया था आर 6 से छोटा होना चाहिए। तो आर की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो गई 5, ओके, क्योंकि 6 से छोटा है। 4, 3, 2, 1 और 0, आर भी 0 भी हो सकता है ना, यहाँ पे ये कंडीशन भी थी यूक्लिड के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कि आर या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा बट बी से छोटा होगा। तो आर की इतनी पॉसिबल वैल्यू है, ये आर की अगर वैल्यू मैं ए में रख दूँ तो ए की इतनी पॉसिबल वैल्यूज मिलती है, बट जिसमें से 6 की 6 जो है उसमें से कुछ ऑड भी है कुछ इवन भी है। तो हमने साबित कर दिया कि ये 6q वाला ये 6q+2 और 6q+4 के फॉर्म में होगा तो वो इवन हो, ये हमने साबित कर दिया क्योंकि वो डिविजिबल बाय 2 है। बट ये जो है जहाँ पे मैंने यहाँ ऑड लिखा है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या आ रहे हैं हमारे ऑड नंबर आ रहे हैं। इसीलिए कोई भी अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस 3 के फॉर्म में होगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में होगा, ओके। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया है, ओके।